All right, students, good morning. Today we are going to be starting English chapter 3.3, Stephen Hawking. All right, now who was Stephen Hawking? In the orange box, we are going to read now. All right, Stephen Hawking, 8th January 1942 to 14th March 2018. All right, that was his birth and death date. He was an English theoretical physicist. Theoretical का मतलब क्या है? Theoretical का मतलब है पर्सन हु स्टडीज अबाउट द थियोरी. ऑल राइट, ऑल द काइंड ऑफ फॉर्मूलाज, राइटिंग्स, एजम्पशंस, फॉर एग्जाम्पल, ये सब कहाँ से आते हैं? थियोरी से आते हैं. ऑल राइट, एंड सो ही वॉज एन इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट. वो थियोरी में पढ़ता था. ऑल राइट, कॉस्मोलॉजिस्ट, ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट द सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी विद इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. कॉस्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? समवन हु स्टडीज द स्टार्स एंड स्पेस एंड ऑल अबाउट द यूनिवर्स. ऑल राइट, एवरीथिंग दैट इज बिग. ओके, एंड वेयर वॉज ही? ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च. ऑल राइट, रिसर्च का हेड था वो. कहाँ पे? एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ऑल राइट, सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. हॉकिंग वॉज द फर्स्ट टू सेट आउट अ थियोरी ऑफ कॉस्मोलॉजी एक्सप्लेन्ड बाय अ यूनियन ऑफ द जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स. ऑल राइट, हॉकिंग एक ऐसा पहले इंसान थे जिन्होंने कॉस्मोलॉजी यानी यूनिवर्स कैसे बना उसको एक्सप्लेन किया दो थियोरी से. एक तो विद द जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने बनाया. ऑल राइट, एंड क्वांटम मैकेनिक्स. ऑल राइट, दैट्स व्हाट ही वर्कड ऑन. क्वांटम यानी समथिंग दैट्स वेरी स्मॉल. ऑल राइट, एटॉमिक लेवल पे चीज़ों को पढ़ना. ओके, तो उन्होंने दोनों थियोरीज को मिला के, आइंस्टाइन की थियोरी और अपने थियोरी को मैच मिला के यूनिवर्स कैसे बना उसको प्रूव करने की कोशिश की. ऑल राइट, हॉकिंग वॉज ए ऑनररी फेलो ऑफ द रॉयल साइंस ऑफ आर्ट्स, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स FRSA, अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ द पोर्ट फिशल अकेडमी ऑफ साइंसेज एंड अ रेसिपियंट ऑफ द प्रेजिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन द US. दिस लेसन गिव्स अस एन इनसाइट इन टू द ग्रेट साइंटिस्ट, हिज लाइफ एंड हिज वर्क. सो यू कैन सी हॉकिंग वॉज अ वेरी वेल नोन फेलो. उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स मिले थे. ऑनर्स यानी बहुत सारे लोगों से इज्जत मिलता था, सम्मान मिलता था. ऑल राइट, एंड ही हैड रिसीव द प्रेजिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम. प्रेजिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द US. ऑल राइट, पद्म भूषण या पद्म विभूषण कैसे हमारे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को मिल सकता है, उसको प्रेजिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला था. ऑल राइट, एंड दिस लेसन गिव्स अस एन इनसाइट इन टू द ग्रेट साइंटिस्ट. ये लेसन में वॉट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू रीड एंड लर्न अबाउट हिज लाइफ. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, ऑल आई सजेस्ट इज पे अटेंशन टू हाउ आई एम रीडिंग, लिसन टू द वर्ड्स आई एम प्रोनाउंसिंग. ऑल राइट, ये भी देखो कि मैं मीनिंग्स कैसे ढूंढ रहा हूँ. एंड आई विल बी रीडिंग ओनली हाफ द लेसन. मैं सिर्फ आधे चैप्टर को पढ़ूंगा. ऑल राइट, एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप राइट देयर. और उसके बाद आई एम गोइंग टू लीव द रिमेनिंग हाफ फॉर यू टू रीड ऑन योर ओन. तुम्हारे पास रीडिंग प्रैक्टिस तब तक नहीं होगा जब तक तुम खुद से रीड नहीं करोगे. ऑल राइट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रीड वन फुल चैप्टर ऑन वीडियो. ऑल राइट, वीडियो पे अगर मैं पूरा चैप्टर रीड करूंगा तो ये लेसन 30 मिनट 40 मिनट का बन सकता है. ओके, सो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग रीडिंग एंड इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट आर लेसन ऑल्सो बिकम्स फास्ट ऑफ, आई एम गोइंग टू रीड ओनली हाफ द चैप्टर. सो लिसन टू दिस द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर केयरफुली, क्योंकि बाकी का आधा हिस्सा तुम्हें ही पढ़ना है. ओके, सो स्टीफन हॉकिंग, बॉर्न ऑन जनवरी 8, 1942, इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, प्रोफेसर एंड ऑथर हु हैज डन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी. ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या है? बहुत ही इम्पैक्टफुल वर्क जिसके वजह से बहुत सारा चेंज आया है दुनिया में. ग्राउंड ब्रेकिंग यानी जो जो चीज़ बहुत ज़्यादा बदलाव लाती है दुनिया में. ऑल राइट, सो ही हैज़ डन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी. कॉस्मोलॉजी क्या है? अगेन, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, स्टडी ऑफ एवरीथिंग दैट इज बिग. ऑल राइट, एंड हुज बुक्स हैव हेल्प टू मेक साइंस एक्सेसिबल टू एवरी वन. स्टीफन हॉकिंग ने बहुत सारे बुक्स भी लिखे साइंस के ऊपर जो इजी वर्ड्स में, मतलब अभी यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हो तो बहुत सारे मुश्किल वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के बुक्स ने इन चीज़ों को बहुत सिंपल वर्ड्स में और सिंपल एग्जांपल्स यूज करके एक्सप्लेन किया है. राइट, एट द एज ऑफ 21 व्हाइल स्टडिंग कॉस्मोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ही वॉज डायग्नोज विद एमीट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस. राइट, ALS, एमीट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस और ALS. राइट, ये एग्जैक्टली क्या है? ALS क्या है? इट्स अ डिजीज वे योर बॉडी बेसिकली बिकम्स पैरालाइज्ड. ऑल राइट, तुम्हारा बॉडी जो है वो काम करना बंद हो जाएगा.
ऑल राइट, तुम्हारे पैर काम करने बंद हो जाएंगे, हाथ पैर नहीं हिल पाएंगे, ऑल राइट, इंटरनल ऑर्गन सारे चल रहे हैं लेकिन बाहर से तुम्हारा बॉडी बोन्स मसल जो है वो हिल नहीं पाता, ऑल राइट. तो दैट इज़ वॉट एमीट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस इज ऑल अबाउट, ऑल राइट. सो व्हेन ही वाज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, उसके बॉडी में ये डिजीज आ गया जिसके वजह से ही कुड नॉट मूव, ऑल राइट. पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टोरी वॉज डिपेक्टेड इन द 2014 फिल्म द थियोरी ऑफ एवरीथिंग. 2014 में एक फिल्म आया था द थियोरी ऑफ एवरीथिंग, जहाँ पे उसके लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा बताया गया, ऑल राइट. दिस डिजीज इज कॉल्ड ALS व्हेन इट अफेक्टेड स्टीफन हॉकिंग. ये मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं अभी पढ़ने रहा हूँ बुक्स में से. इट पैरालाइज हिज होल बॉडी, गर्दन से लेके नीचे जितना भी पार्ट्स है उस सारे पार्ट्स को पैरालाइज कर दिए. तो मतलब स्टीफन हॉकिंग कभी चल नहीं पाए, कभी हाथ से कुछ नहीं कर पाए, ऑल राइट. ही हैड टू देन लिव हिज लाइफ वाया ओनली हिज वॉइस, ओके. गर्दन से पूरा कर नीचे बॉडी उनका पैरालाइज हो गया था. ओवर द ईयर्स स्टीफन हॉकिंग हैज रिटन अ को रिटन अ टोटल ऑफ 15 बुक्स, ऑल राइट. स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया जितने भी साल अपने बिताए पढ़ते पढ़ते उन्होंने 15 बुक्स के आसपास लिखे, ऑल राइट. अ फ्यू ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी इंक्लूड द ग्रैंड डिजाइन, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, द थियोरी ऑफ एवरीथिंग, ओके. इन 1988 हॉकिंग कैटापोल्टेड टू इंटरनेशनल प्रोमिनेंस विद द पब्लिकेशन ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. कैटापोल्टेड का मतलब क्या, कैटापोल्ट यानी कैसे होता है वो हम बोलते हैं ना उसको, जिससे हम एक लकड़ी पे हम रबर बैंड डालते हैं और हम उसे खींच के एक पत्थर को दूर तक तो ऐसा मतलब फेंक सकते हैं, कैटी कैटी बोलते हैं उसको, करेक्ट. सो स्टीफन हॉकिंग कैटापोल्टेड, ही जम्प्ड और ही वॉज लॉन्च्ड टू इंटरनेशनल प्रोमिनेंस, इंटरनेशनल सक्सेस की तरफ वो बढ़ने लग गए, ऑल राइट. वाई, विद द पब्लिकेशन ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. एक बुक उन्होंने बहुत फेमस वाली लिखी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, आई हैव दैट बुक विद मी, आई एम करंटली ट्राइंग टू रीड इट. इस बुक की वजह से वो इंटरनेशनली फेमस हो गए स्टीफन हॉकिंग. नाउ द शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव बुक बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी फॉर द मासेस एंड ऑफर्ड एन ओवरव्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द फ्यूचर, राइट. इस बुक की वजह से लोगों को क्या मिला, उन्हें कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स कैसे बना, इसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने लग गया था. एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड होता है कि नहीं होता है, ऑलराइट, ये सब इन्फॉर्मेशन उसे उस बुक से मिल रहे थे. एंड द फ्यूचर, ऑलराइट, फ्यूचर में चीज़ें कैसे होंगी स्पेस के रिलेटेड, दैट्स व्हाट वाज इंक्लूडेड इन दिस बुक. और इस बुक की मदद से लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन मिला. द वर्क वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस, स्पेंडिंग मोर देन 4 ईयर्स अटॉप द लंडन संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट, ऑलराइट. ये बुक जो था बहुत ही सक्सेसफुल था एंड इट वॉज इट स्पेंट ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, 4 साल के आसपास लंडन संडे टाइम्स का जो बेस्ट सेलर लिस्ट है बुक्स का, उसमें वो हमेशा ऊपर पे रहा फॉर 4 ईयर्स, ऑलराइट. सिंस इट्स पब्लिकेशन यानी सिंस इट्स प्रिंटिंग, इट हैज सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड एंड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू मोर देन 40 languages. ये जो बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलेट यानी बदल दिया गया, ऑलराइट. कि अच्छा, कोई मराठी में पढ़ना चाहता है तो मराठी में मिलेगा, किसी को रशियन में पढ़ना है तो रशियन में मिलेगा, किसी को फ्रेंच में पढ़ना है तो फ्रेंच में मिलेगा, ऑलराइट. इनटू मोर देन 40 languages, ऑलराइट, 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में इस बुक का ट्रांसलेशन हुआ है, ऑलराइट. नाउ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ऑल्सो वजंट एज ईजी टू अंडरस्टैंड एज सम हैड होप्ड, ऑलराइट. लेकिन ये जो बुक है, अगर हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कितना भी इजी बना लो इतना भी इजी नहीं रहेगा सबके लिए पढ़ने के लिए, ऑलराइट. सो इन 2001 हॉकिंग फॉलोड अप विद द बुक द यूनिवर्स इन अ नटशेल, ऑलराइट. हॉकिंग ने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को इजी बनाने के लिए एक और बुक निकाला 2001 में, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, विच ऑफर्ड अ मोर इलस्ट्रेटेड गाइड टू कॉस्मोलॉजीज बिग थियरी. इस बुक में क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स थे, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स थे, जिसके वजह से यूनिवर्स कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या थियरीज है स्टीफन हॉकिंग के, ये सब ज़्यादा इजीली समझा जा सके, ऑलराइट. तो कॉस्मोलॉजी बिग थियरीज यानी यूनिवर्स के बड़े बड़े थियरीज है, यूनिवर्स के बड़े बड़े फॉर्मूलाज और क्या क्या होता है यूनिवर्स में, उसको समझने के लिए बहुत सारे डायग्राम्स थे उस बुक में, ऑलराइट. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स लाइफ. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. In 2005, Hawking authored even more accessible Briefer History of Time. Alright, उसने एक और बुक लिखा called the Briefer History of Time. Brief History of Time पहला वाला बुक था उसका जो सक्सेसफुल हुआ बहुत सारा इंटरनेशनली, लेकिन उसके बाद उसने निकाला a Briefer History of Time. Alright,
एक सेकेंड बुक निकाला पहले बुक को फॉलो करने के लिए, विच फर्दर सिंप्लीफाइड द ओरिजिनल वर्क कोर कॉन्सेप्ट्स. ऑलराइट, ओरिजिनल का जो जो भी कुछ एक्सप्लेनेशंस था, जो भी कोर कॉन्सेप्ट थे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो थे उस पहले वाले बुक में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में, उसको और भी ईजी बनाने के लिए ही रोट अ सेकेंड बुक कॉल्ड अ ब्रीफ फॉर हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड टच्ड अपॉन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड लाइक स्ट्रिंग थियोरी. और आजकल के सबसे न्यूएस्ट, सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट, सबसे लेटेस्ट किस चीज़ पे पढ़ा जा रहा है? स्ट्रिंग थियोरी. ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग थियोरी टू यू बिकॉज इट्स अ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड थियोरी. लेकिन राइट नाउ साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू बेसिकली फाइंड आउट अबाउट दैट. ऑल राइट, टुगेदर दीज थ्री बुक्स अलॉन्ग विथ हॉकिंग्स ओन रिसर्च एंड पेपर्स आर्टिकुलेट द फिजिसिस्ट पर्सनल सर्च फॉर साइंस होली ग्रेल. ऑल राइट, होली ग्रेल. ऑलराइट, साइंस का होली ग्रेल का मतलब कैसे किसी चीज़, एक ऐसी चीज़ जो बहुत लोग पाना चाहते हैं, जो सभी को चाहिए. ऑलराइट, सो विद दीज थ्री बुक्स, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द यूनिवर्स इन अ नटशेल एंड अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, हॉकिंग के खुद के रिसर्च के पेपर्स, ये किसी भी साइंटिस्ट के लिए यूजफुल है. वाई? टू फाइंड हिज होली ग्रेल, या फिर जो भी चीज़ उसको चाहिए, जो भी चीज़ उसको चाहिए साइंस में, जो भी आंसर्स चाहिए किसी भी साइंटिस्ट को, तो ये तीन बुक्स उसके पर्सनल सर्च यानी उसके खुद के रिसर्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अ सिंगल यूनिफाइंग थियोरी दैट कैन कंबाइन कॉस्मोलॉजी द स्टडी ऑफ द बिग विथ क्वांटम मैकेनिक्स द स्टडी ऑफ द स्मॉल. ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसमें एक यूनिफाइंग थियोरी है. ऑल राइट, एक मिक्सचर ऑफ अ थियोरी, यानी मैंने पहले भी चैप्टर के शुरू में बोला था, स्टीफन हॉकिंग का थियोरी कहाँ से डिराइव था? आइंस्टाइन के थियोरी से लिया गया था, और उसमें उसने क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई किया, खुद के थियोरी को अप्लाई किया. राइट, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इन तीनों बुक्स के थियोरी को यूज करके अब जो कॉस्मोलॉजी का स्टडी है, यूनिवर्स का स्टडी है, वो क्वांटम मैकेनिक के साथ कंबाइन कर सकते थे. राइट, टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगैन. अगर किसी भी साइंटिस्ट को जानना है कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, राइट, देन दे हैव टू रीड दीज थ्री बुक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हॉकिंग्स थियरी. राइट, इट इज दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग, एम्बिशियस यानी बहुत बड़ा सोचना, एम्बिशियस यानी बड़ा. राइट, दैट अलाउड हॉकिंग, हु क्लेम्स दैट ही कैन थिंक इन 11 डिमेंशंस. वी नो अबाउट थ्री डिमेंशंस, एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई जी एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जी एक्सेस, हमने किया होगा मैथ्स में. राइट, लेकिन हॉकिंग क्या बोलता है कि उसके थियोरीज के थ्रू हम 11 डिमेंशंस में सोच सकते हैं. ऑलराइट, इन 11 डिमेंशंस टू ले आउट बिग पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन काइंड. ऑलराइट, इंसानों के प्रोग्रेस के लिए, इंसानों के टेक्नोलॉजी को अगर हमें बेहतर बनाना है, तो वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि हाउ कैन वी अप्लाई हॉकिंग्स थियोरीज इन प्रैक्टिस. ऑलराइट, रिमेंबर फिजिक्स इज अ लॉट अबाउट थियोरी. राइट नाउ वी आर ऑल ओनली टॉकिंग अबाउट थियोरेटिकल फिजिक्स, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन. ऑलराइट, ही इज कन्विंस्ड दैट टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल एंड दैट ह्यूमंस मे इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर. स्टीफन हॉकिंग का क्या मानना था कि अगर हमारा थियोरी ऑफ फिजिक्स, जो मेरा थियोरी ऑफ फिजिक्स है, वो सही है, इसके थ्रू फिर हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, कि हम टाइम में यानी समय में आगे पीछे जा सकते हैं. यानी अगर मुझे फ्यूचर में जाना है देखने कि मेरे साथ क्या हो सकता है, तो आई कैन गो इन द फ्यूचर. और इफ़ आई वॉन्ट टू गो इन द पास्ट एंड करेक्ट अ मिस्टेक दैट आई मेड समवेयर पिछले टाइम में, तो मैं पीछे जाके करेक्ट कर सकता हूँ. दैट इज वॉट स्टीफन हॉकिंग थिंक्स इज पॉसिबल विथ हिज थियरी और विथ हिज मॉडल. ऑलराइट, एंड ह्यूमंस में कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर. इतना सारा फिजिक्स अगर अप्लाई होने लग गया, उसका थियरी अप्लाई होने लग गया, देन वी कैन इवन गो टू अदर प्लैनेट्स. राइट, वी कैन गो टू अदर प्लैनेट्स एंड लिव ओवर देयर. कॉलोनाइज यानी टू लिव और टू लिव इन अ सर्टन लैंड. ओके, इन सेप्टेम्बर 2010 हॉकिंग स्पोक अगेंस्ट द आइडिया दैट गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स इन हिज बुक द ग्रैंड डिजाइन. इन सेप्टेम्बर 2010 इन दिस बुक कॉल्ड द ग्रैंड डिजाइन हॉकिंग ने चैलेंज किया इस आइडिया को कि गॉड हैड क्रिएटेड द यूनिवर्स. वो इस आइडिया को मानते ही नहीं थे कि गॉड हैड क्रिएटेड द यूनिवर्स. हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यूड दैट बिलीफ इन अ क्रिएटर could be compatible with the modern scientific theories. All right, पहले वो क्या सोचते थे, previously वो argue करते थे कि जो creator वाला belief है, all right, कि ये भगवान है जिन्होंने पूरे दुनिया को create किया है, could be compatible with modern scientific theories. All right, वो science के through prove हो सकते हैं.
राइट, वो साइंटिफिक थियोरी के थ्रू प्रूव हो सकते हैं. हिज न्यू वर्क हाउएवर कंक्लूडेड दैट द बिग बैंग वाज एन वाज द इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर. राइट, यूनिवर्स का क्रिएट होना, राइट, एक एटम से बहुत सारे एटम्स में बनना, फिर वो बहुत सारे एटम्स प्लैनेट्स बन गए, स्टार्स बन गए, लोग बन गए, एनिमल्स बन गए, बर्ड्स बन गए, ये सब एक ही इवेंट की वजह से हुआ, एंड दैट इज द बिग बैंग. ऑलराइट, पहले वो मानते थे कि साइंस और गॉड एक साथ हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आफ्टर ही स्टडीड अ लॉट मोर एंड डिड हिज रिसर्च, ही ऑल हिज रिसर्च केम डाउन टू वन पॉइंट, द बिग बैंग. ऑलराइट, ये बिग बैंग क्या है? इट इज सेड कि यूनिवर्स का शुरुआत एक छोटे पॉइंट से शुरू हुआ, एक ही एटम से हुआ, वो एटम एक दिन बहुत जोर से और बहुत वायलेंटली फट गया. ऑलराइट, और फटने की वजह से फिर यूनिवर्स धीरे धीरे बनने लग गया. ऑलराइट, एक्सपैंड होने लग गया. बिकॉज देर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग. क्योंकि ग्रेविटी नाम का फोर्स है, ग्रेविटी नाम का एनर्जी है, द यूनिवर्स कैन क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग. दिस इज वॉट हॉकिंग्स थियरी प्रपोजेस. ऑलराइट, कि ग्रेविटी नाम का ये जो फोर्स है, इसे हम पूरी तरह से अभी समझ नहीं पाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेम थिंग यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है, कुछ भी, किसी भी चीज़ में से भी नहीं भी क्रिएट हो सकता है. ऑलराइट, इवन इफ देयर इज नथिंग, अगर कुछ भी नहीं है फिर भी यूनिवर्स उसमें से क्रिएट हो सकता है. हॉकिंग सेड, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इज द रीजन देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग, व्हाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, व्हाई वी एग्जिस्ट. स्पॉन्टेनियस क्रिएशन यानी अचानक से क्रिएट हो जाना, स्पॉन्टेनियस यानी अचानक से, सडनली. ओके, क्रिएशन इज द रीजन देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग, व्हाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, व्हाई वी एग्जिस्ट. ऑलराइट, तो उसका क्या कहना है कि सडनली क्रिएशन का होना इज द रीजन दैट देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग. कि कोई किसी तरह का तो फिजिक्स है, किसी तरह का तो एक्सप्लेनेशन है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट क्यों करता है. अचानक से हमारा यूनिवर्स में आना, यूनिवर्स का बनना, ऑलराइट, प्लैनेट्स का बनना, ये सब चीज़ों का, यूनिवर्स स्टार्स का बनना, ये सब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक देयर इज समथिंग जहाँ से यूनिवर्स शुरू हुआ और गॉड ने यूनिवर्स को नहीं बनाया. ऑलराइट, नाउ द ग्रैंड डिज़ाइन वॉज हॉकिंग्स फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट अ डेकेड. ग्रैंड डिज़ाइन जो पब्लिकेशन था सितंबर वाला, जहाँ पे हॉकिंग आर्ग्यूड अगेंस्ट द आइडिया ऑफ गॉड, ही सेड इट वॉज फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट अ डेकेड. 2001 में ही हैड पोस्टेड द यूनिवर्स इन अ नटशेल, और 2010 में ही हैड फाइनली रिलीज द सेकेंड बुक कॉल द ग्रैंड डिज़ाइन. ओके, इन ऑलमोस्ट अ डेकेड, डेकेड यानी 10 साल. विद इन हिज न्यू वर्क हॉकिंग सेट आउट टू चैलेंज सर आइजैक न्यूटन्स बिलीफ दैट द यूनिवर्स कुड हैव बीन डिजाइन बाय गॉड, दैट द यूनिवर्स हैड टू हैव बीन डिजाइन बाय गॉड सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन बॉर्न फ्रॉम केओस. ऑलराइट, स्टीफन हॉकिंग के इस बुक के थ्रू उन्होंने बेसिकली किसको चैलेंज किया, किस साइंटिस्ट के आइडिया को चैलेंज किया? सर आइजैक न्यूटन, द पर्सन हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी. उन्होंने उसी साइंटिस्ट, उसी इंसान के आइडियाज़ को चैलेंज करने की कोशिश की और कहने की कोशिश की कि यूनिवर्स जो है वो गॉड के थ्रू नहीं बना है. न्यूटन का बिलीव क्या था कि द यूनिवर्स हैड टू हैव बीन डिजाइन बाय गॉड, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गॉड होगा ही, बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम केओस. न्यूटन का क्या मानना था कि यूनिवर्स ऐसे ही किसी भी जगह से नहीं बन सकता. ऑलराइट, तो मतलब कोई ना कोई गॉड होगा, कोई ना कोई बड़ा सा हायर बींग होगा, समवन हु इज़ वेरी पावरफुल. ऑलराइट, जिसने यूनिवर्स को बनाया. बट हॉकिंग वेंट आउट टू चैलेंज दैट इन हिज बुक द ग्रैंड डिज़ाइन, विच वॉज पब्लिश्ड इन 2010. ओके, एंड फाइनली, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इन्वोक गॉड टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग. ऑलराइट, तो हॉकिंग का क्या कहना था इसके बारे में? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इन्वोक गॉड. इन्वोक का मतलब है टू प्रे टू गॉड और टू कॉल अपॉन गॉड टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग. ऑलराइट, उनका कहना था कि बिग बैंग का शुरू होने के लिए और यूनिवर्स के शुरुआत के लिए, ऑलराइट, गॉड की जरूरत नहीं है, फिजिक्स खुद ही ये कर सकता है, नेचर खुद ही ये कर सकता है. ऑलराइट, एट द एज ऑफ 21 स्टीफन हॉकिंग वॉज डायग्नोज विद एमिट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस. ऑलराइट, एमिट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस हमने अभी अभी डिस्कस किया था, ALS क्या है, जिसकी वजह से बॉडी में बॉडी के सारे जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, वो बंद हो जाते और हम उन्हें मूव नहीं कर पाते. ऑलराइट, और ल्यू गेरिग्स डिजीज,
Lou Gehrig was the scientist who discovered this disease, alright? That's why it's called Lou Gehrig's disease. In a very simple sense, the nerves that controlled his muscles were shutting down. At that time, doctors gave him a 2.5 years to live, alright? जो नर्व्स थे जो मसल को कंट्रोल करते थे, व्हेन वी मूव आर फिंगर्स अ मैसेज गोज फ्रॉम आर ब्रेन टू आर मसल टू मूव द फिंगर. लेकिन इन दिस डिजीज ALS वो जो नर्व का जो मैसेज है वो मैसेज ब्रेन से मसल तक नहीं पहुंच पाता बिकॉज द नर्व मसल्स आर शटिंग डाउन. वो बंद हो गए, नर्व के मसल, नस के मसल जो है वो बंद हो गए. ऑलराइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डॉक्टर्स गेव हिम 2.5 years टू लिव. ऑलराइट, उन्होंने बोला कि ये 2.5 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा. राइट, हॉकिंग फर्स्ट बिगैन टू नोटिस प्रॉब्लम्स विद हिज फिजिकल हेल्थ व्हाइल ही वाज एट ऑक्सफोर्ड. ऑन ओकेजन ही वुड ट्रिप एंड फॉल अ स्लर इन हिज स्पीच. हॉकिंग ने पहले कब देखा इस प्रॉब्लम को डेवलप होते होते, इस डिजीज को आते आते? व्हेन ही वाज एट ऑक्सफोर्ड. बिफोर ही वाज एट कैम्ब्रिज ही वाज एट ऑक्सफोर्ड. ऑल राइट, एंड ऑन ओकेजन ही वुड ट्रिप एंड फॉल. वो कभी कभी अचानक से गिर जाता था. अ स्लर इन हिज स्पीच, स्लर का मतलब है उसका जो बोलने का ये वो बीच बीच में तोतलाता था. ऑल राइट, इट्स पॉसिबल दैट दैट कुड हैपन. ही डिडेंट लुक इन टू द प्रॉब्लम अंटिल 1963 तक उसने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया उस प्रॉब्लम को. ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज, जब वो ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज में गए, ऑक्सफोर्ड इज अ वेरी बिग कॉलेज, वेरी फेमस कॉलेज, और जब वो ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज में गए विच इज अनदर फेमस एंड बिग कॉलेज, फॉर मोस्ट पार्ट हॉकिंग हैड केप्ट दी सिम्टम्स टू हिमसेल्फ. ये सब जो चीज़ें उसके साथ होती थी हॉकिंग ने किसी दूसरे को नहीं बताया, सिर्फ खुद खुद पे ही रखते गया और उसने खुद के मन में ही रखा इस बात को. ऑलराइट, बट व्हेन हिज फादर टुक नोटिस ऑफ द कंडीशन ही टुक हॉकिंग टू सी अ डॉक्टर. फॉर द नेक्स्ट 2 weeks द 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट मेड हिज होम एट अ मेडिकल क्लिनिक वेर ही अंडरवेंट अ सीरीज ऑफ टेस्ट. पहले पहले हॉकिंग ने ये बात अपने अपने पास ही रखे, अपने अंदर दबा के रखी, लेकिन व्हेन हिज फादर सॉ हिज कंडीशन, हॉकिंग के फादर ने जब इसकी कंडीशन को देखा, ही went to see a doctor, he took Hawking to see a doctor. और फिर अगले 2 हफ्ते के लिए Hawking को एक medical clinic में, एक medical institution में, एक college में वो test पे test चलाते गया. और 2 हफ्तों तक उसके body पे सिर्फ test, 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 test हो रहे थे. All right, to check on him. All right, with that students, I'm going to stop reading right here. I want you to read from here to the end. All right, I want you to read from here till the end, and I hope all of you can follow the method of self-monitoring that we've learned from so many classes. Read on your own, identify the meanings, story, Stephen Hawking ke story ke baare mein aur bhi zyada seekho aur jano. Alright, and then at the end of the lecture, I wanted to solve these 2 questions on it. Alright, the first one is make a list of the books written by Stephen Hawking. Books ke naam kaun se the, kaun se topics covered hai usme. Alright. You don't have to do this column, alright? इस column को करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पहले 2 columns, name of the book and what are the topics covered in it, alright? And then Stephen Hawking का जो achievements है, is complete the following web को तुम अपने notes में करोगे, alright? So I want you to solve these 2 questions for today's English class, alright students? With that we have reached the end of our lecture students, thank you so much for learning. Students, I would suggest that ये जो इंग्लिश है और हिस्ट्री है, क्योंकि मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम कल संडे दोपहर तक या कल संडे रात तक इसको सबमिट कर सकते हो. ऑलराइट, सो आई वुड सजेस्ट वर्क हार्ड, मेक श्योर ऑल योर वर्क फॉर द वीक इज़ कंप्लीट इसी हफ्ते को. एग्जाम्स आर कमिंग क्लोज. हिस्ट्री का एक और चैप्टर अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं अगले हफ्ते. इंग्लिश के हमें और 3-4 चैप्टर्स करने हैं. ऑलराइट, सो प्लीज़ 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 मेक श्योर यू आर डूइंग योर वर्क ऑन टाइम. ऑलराइट, अगले हफ्ते से हम टेस्ट भी लेना शायद शुरू कर सकते हैं, छोटे छोटे टेस्ट. ऑलराइट, सो प्लीज़ मेक श्योर वर्क इज़ कंप्लीट ऑन टाइम एंड यू आर प्रिपेयरिंग एंड स्टडिंग फॉर द एग्जाम. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.